रणवीर सिंह खत्री बंदा, आलिया भट्ट क्यूटी, एमीवे ओहो बंटाय। वेलकम बैक गाइस, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है विनय। इससे पहले जो मैंने वीडियो किया था एमसी स्टैंड के साथ, उस पे ना मुझे आप लोग का बहुत सारा प्यार मिला है और बहुत सारा प्यार गालियों के रूप में मिला है, और ऐसी क्रिएटिव गालियां ना आप सोच भी नहीं सकते। बट हाँ, उसी बीच दो चार लोग मुझे चाइल्ड लेबर बोल के चले गए। नहीं, उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती है ना मेरी ही है। मतलब मैं जिस सिटी से आया हूँ उसका नाम बैतूल है, विच साउंड्स लाइक बेटू, ठीक है। उसके बाद जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसका नाम है लिटिल फ्लावर। मतलब अभी भी किसी को मैं बताता हूँ कि मैं लिटिल फ्लावर से पढ़ा हूँ तो उनको अभी भी लगता है कि मैं किंडरगार्टन का स्टूडेंट हूँ। लेकिन आज हमारे जो गेस्ट है ना वो टीचर है, और टीचर भी ऐसे ऐसे नहीं, रणवीर सिंह के टीचर। आज हमारे साथ है एमसी अल्ताफ। क्या बोल रही है पब्लिक, फुल आगल है रेडियो सिटी में मचाने के लिए अपने भाई विनय के साथ। चेक करते रहने का क्या शॉट चालू है अपना। सो अभी अभी आपने गली बॉय में काम किया है, आई मीन डेब्यू किया है एज अ डायलॉग राइटर रैपर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत सही था, क्योंकि अपन जब भी छोटे थे तभी ऐसा बड़े पर्दे पे मूवी देखते थे, तो ऐसा थिएटर में बैठ के ओ ये कैसा किया रहेगा, ये कैसा किया रहेगा, पहले से दिमाग में चलता था। फिर लेकिन जैसी हम लोग गली बॉय में खुद जाके एक्टिंग कर रहे थे और बड़े बड़े कैमरे हम लोग के सामने थे, तो मैं तभी ऐसा खुद को इमेजिन कर रहा था कि मैं बड़े पर्दे पे कैसा दिखूंगा। और फिर जैसी पिक्चर रिलीज हुई तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतना अच्छा लगेगा। जैसे अभी आपने उसमें बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं, तो उसमें से कोई स्पेशल डायलॉग्स जो आपके ऑन स्क्रीन यूज हुए? डायलॉग तो विजय मौर्य सर ने लिखे, हम लोग ने उसपे सिर्फ एडिशनल डायलॉग राइटिंग थोड़ा उसको मसालेदार किया है हम लोग ने अपने स्लैंग में, जैसा कॉलेज के बच्चे लोग आज के तारीख में स्लैंग्स में बात करते कि क्या बोलते बंटा है, क्या सीन चालू है, तो हम लोग ने सिर्फ उसमें एक ऐसा मसाला छोड़ दिया। और जैसे कि मैं, राहुल कामभारी और एमिवे बंटा है, हम लोग चारों जन उस पे स्क्रिप्ट पे बैठे थे और सब लोग अलग अलग अपना अपना सुझाव दे रहे थे कि तू इधर ये डालो, इधर ये डालो, किसको ये बात ज्यादा पता नहीं। लेकिन हम लोग ने डायलॉग सुपरवाइजिंग भी किया है, रणवीर भाई का कुछ भी ऐसा डायलॉग रहता तो हम लोग उसको सुनते थे ध्यान से और हम लोग ऐसा देखते थे कि हाँ भाई सही है क्या नहीं। सो एक दो डायलॉग जो यू कैन इमिटेट राइट नाउ? मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो उसको धोप दूंगी ना। मतलब ये वाला डायलॉग आपने लिखा है? मतलब ये वाला डायलॉग में मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया, और वो गरम ही गरम अंगारे। ओके, तो रणवीर सिंह के साथ काम करके कैसा लगा, उसके साथ उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? मतलब रणवीर भाई कभी ऐसा हम लोग को फील नहीं होने दिए कि मैं एक्टर हूँ और तुम लोग रैपर लोग है। रणवीर भाई फुल दोस्त बन जाते थे हम लोग के, और एकदम जैसा ऐसा लगता था कि अपना दोस्त है कोई और वो भी रैपर है और अपन भी रैपर है। रणवीर भाई बैटल विटल कर, तो सब में बहुत मजा आती थी मेरे को, तो कभी ऐसा मतलब फील नहीं हुआ कि मैं कोई बड़े एक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा कि अपने ही दोस्त है रणवीर भाई। और आपके जो फ्रेंड है एमीवे? ऐसा नहीं हुआ, हम लोग बहुत काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, वो मेरे एरिया में आते थे, मैं काफी टाइम उनके एरिया में जाता था। एमीवे भाई मेरे को मतलब एरिया से पिकअप करते थे और हम लोग दोनों साथ में आते थे, तो वो एक अलग वाइब रहता था, तो वही सब मजे थे और अच्छा लगा अपने भाई लोग के साथ काम करके। मेरे को तो ज्यादा खुशी है कि वो एमीवे बंटाई थे मेरे साथ, कोई और नहीं था। ये गली स्लैंग्स जो होती है, एक्चुअल में गली स्लैंग्स क्या है? गली स्लैंग नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक स्लैंग ही बोलने का खाली, मतलब गली ऐसा परफेक्ट नहीं है, मतलब गली स्लैंग ऐसा स्लैंग है। अपने होमी को बोलते क्या बोलते बंटा है, क्या बोलते आयबा, मतलब बहुत सारा रिस्पेक्ट और लव लोग शो कर रहे हैं अपने होम बॉय के लिए। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जैसे आप धारावी से, यू आर अ धारावी बॉय, और धारावी बॉय से यू आर नाउ अ सक्सेसफुल रैपर। मैं खुद को ऐसा धारावी बॉय का भी मानता ही नहीं था, क्योंकि मेरे को एरिया में सबसे अलग करने का सोच था मेरा, तो मेरे को हिप हॉप पसंद था, मैं कहानी वानी लिखता था, मतलब मेरे को स्टोरी राइटिंग का बहुत शौक था 7वीं 8वीं में। फिर डांस के सीन में गए, कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अपने से मतलब वैसा स्टंट नहीं हो पाया, मैं वो एक फैंटेसी में जा रहा था। और लेकिन वो टाइम पे मैं सुनता था 50 सेंट, लोग सबको सुन के हम लोग बी बॉइंग करते थे, तो मेरे को एक रैप करके एक चीज मेरे को पता था। लेकिन वो टाइम पे मतलब ऐसा हनी सिंह बहुत बैक टू बैक हिट्स दे रहा था, पता था कि मैं स्टिल ड्रे ये सब सुनता था, तो मेरे को पता था कि ये रैप तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हनी सिंह हिप हॉप नहीं है, हनी सिंह फेक है, ऐसा कुछ नहीं भाई, वो रैप कर रहा है अपन हिप हॉप कर रहे बस। तो एक बार मैं जब जा रहा था तो उधर स्टोनी साइको बोल के एक रैपर है, डोपरडेलिक स्टोनी साइको, अगर आपको पता रहेगा, स्टोनी साइको आयशा पद गाना परफॉर्म कर रहा था, और मैं देखा, हम बोला ओ ये तो मराठी में कर रहा है, उसको देख के मेरे को चला कि हाँ भाई रैप अपन अपने भाषा में कर सकते और कर सकते इस चीज को अच्छे से। तो एक बार ऐसी जैम करते करते तो मेरे कॉलेज के लड़के लोगों को पता था कि मैं रैप करता हूँ, तो पब्लिक मेरे को जैम में ऐसा धकल दी कि जा तू रैप कर बोल के, तो मैं सीधा गया और वो जैम में आके मैं जो लिखा था मैंने सीधा मेरा पहला हिंदी वर्स मैंने स्पिट कर दिया, तो आर1 और स्टैंडली को इतना पसंद आया
वो लोग बोले कि तू क्या कर रहा है, तू कौन से क्रू में, हम लोग, मैं बोला मैं सोलो, अभी मैं सोलो कर रहा हूँ। तो लोग बोले हमारे साथ कर, क्योंकि उन लोगों का पहला गाना यूट्यूब पे था, तो मैं सीधा एनिमी क्रू ज्वाइन हो गया। फिर हम लोग तीनों मिलके गाने बनाने लगे। फिर एक टाइम ऐसा आने लग गया कि सब लोग DSLR से शूट वूट करके, कॉलेज में फ्रेंड व्रेंड्स सब BMM वाले लोग आके शूट वूट करके पैसा खर्चा करके पब्लिक एक अच्छा वीडियो बनाने लग गई। तो फिर मेरे को पता चला कि अभी अपने को भी अच्छा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो फिर हम लोग ने फुल ऐसा काम वाम किया अपने वीडियो के लिए, जाके जॉब वॉब, मतलब एक महीने के लिए सिर्फ जॉब किए, वीडियो के लिए पैसा जमा हो गया, जॉब छोड़ दिए, ऐसा ऐसा सीन सब किए हम लोग ने। बाद में फिर ऐसा करके हम लोग का पहला वीडियो निकाले हम लोग ने रोटी बोल के, और फिर वही वीडियो वीडियो डाले। उसके बाद फिर कुछ सीन ही नहीं हो रहा था। फिर हम लोग को न्यूज़ पता चला, मेरे को मेरे दोस्तों ने बताया कि गली बॉय मूवी आ रही है, तो ऐसा ऐसा सीन होने वाला है, नेजी और डिवाइन के ऊपर पिक्चर है, मतलब वो सही सीन है। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि अपना कुछ रोल नहीं उसमें, अभी अपने वो थोड़ी कुछ सीन रहेगा, गली बॉय तो डिवाइन और नेजी पे बन रहे, अपन तो इधर ऐसे ही रैपर लोग। तो पूरा मेरा क्रू था धारावी यूनाइटेड, हम लोग ने जैम किया था, तो मैकॉय बोल के एक जने उन्होंने हम लोग को देखा था, तो उनके वाइफ से हम लोग को कॉन्टैक्ट आया कि तुम गली बॉय के लिए तुम लोग ये ऑडिशन दे सकते हो क्या। तो हम लोग बोले देखे देखते क्या सीन है। तो ऑडिशन हम लोग सब दिए, सब सीन शॉर्ट हो गया, लेकिन क्या पता फिर अपने कॉल मेरे को तो कभी आता नहीं था, मेरे साथ वाले लोगों को सबको आता था। तो विवेक सर मेरे को एक बार कॉल किए, बोले कि एक गाना रिकॉर्ड करने का, तू आ सकता है क्या। एक बीट था तबले का, सर ने बोला कि ऐसा बीट है, तुम लोग को इस पर गाना बनाने का। और फिर हम लोग ने पूरा गाना वाना बना दिया उधर ही, और फिर थोड़ी देर में जोया दीदी भी आ गए वहाँ पे, मतलब जोया दीदी आ गए, हम लोग सब बैठे थे, तो आके जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो जोया दीदी बूथ में आए, मेरे को बोले मैं देखो शूट कर सकती हूँ क्या। हम बोला करो करो। फिर हम लोग ऐसा शूट वीट कर रहे थे मेरे को, जैसे मैं रैप कर रहा था, तो उनको सही लगा अपना स्टाइल, क्योंकि मैं गया सीधा फटफट, जो मेरे को आया मन में मैं लिखा, और सीधा जाके सबसे पहला मैं रिकॉर्ड कर दिया। तो उन लोग ने फिर मेरे को, उसके बाद शायद मेरे को जोया दीदी लोग ने देखा और फिर बोला कि अरे तूने ऑडिशन दिया क्या। मैंने बोला नहीं मैंने ऑडिशन दिया है, लेकिन क्या पता क्या सीन। तो लोग ने मेरा नंबर इंबर लिया, फिर मेरे को लोग ने वर्कशॉप में, उसके बाद मेरे को बुलाना चालू किया। फिर बाद में पता चला जो गाना हम लोग रिकॉर्ड किए थे, मेरे को लगता है कि अभी का सबसे सबसे बड़ा काम है मेरा वो इंडिया 91 के, उसके वजह से भी बहुत हटके था। हाँ, और सबसे अलग है पूरा। फिर मैं ऐसे ही ज्वाइन हुआ, एक हम लोग का वर्कशॉप हुआ था जिसमें रणवीर भाई खाली सब रैपर लोगों को मिलने आए थे, तो 18-19 रैपर लोग थे एक इसके नीचे, मतलब एक रूफ के नीचे सब 18-19 रैपर लोग, तभी रणवीर भाई आए, और हम लोग सब तभी ऐसी मतलब बैटल लिख रहे थे, कोई वर्स लिख रहा था, सबको कुछ ना कुछ लिखने बोले थे, और हम लोग का लुक चेक कर रहे थे, कपड़ा वपड़ा कैसा पहनते हैं लोग, और इन लोग के हाथ में टैटू कितना है, इन लोग के मुंह पे निशान कितना है। तो सब सीन हो गया ये। आफ्टर गली बॉय हिप हॉप के सीन में एक बहुत बड़ा चेंजेस आया कि ऑडियंस बढ़ गई है अभी, मतलब बच्चे लोग भी सुन रहे और आंटी लोग भी सुन रहे, अंकल लोग भी सुन रहे, क्या पता किधर पहुंच गए। अभी बहुत आगे पहुंच गए भाई। मैं अभी मेरा सीन बताता, 6 महीने पहले मैं हिप हॉप नहीं सुनता। मेरे ऑफिस में एक बंदा है, उसने मुझे बताया कि डूड तूने ये गाना देखा क्या। अब नाउ आई एम फॉलोइंग एवरीवन, एमसी अल्ताफ, आई एम बिग फैन ऑफ एमीवे। और आपका जो रैप, मतलब आपका एक पर्सनल रैप स्टाइल होगा, तो वो रैप स्टाइल क्या है जो आपको सबसे अलग बनाता है कि दिस इज एमसी अल्ताफ। तो मतलब अपना स्टाइल थोड़ा कॉन्शियस है, मतलब मैं हमेशा दुनिया के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ, मेरा स्टाइल ज्यादा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करता हूँ अपने रैप में। देखो अभी मैं आपको एक एक आर्टिस्ट के नाम पूछूंगा, ठीक है, उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। रणवीर सिंह, खत्री बंदा। आलिया भट्ट, क्यूटी। एमीवे, ओहो बंटाई। डिवाइन, बॉस। नेजी, बमाए। काम भारी, अल्टर। लोका, ओ छावा। रेडियो सिटी फ्रीडम अवार्ड में आपने रेडियो सिटी हिप हॉप के लिए साइफर किया था, साइफर परफॉर्म किया था, तो उसके लिए आपको क्या कहना है। तो ऐसा मेरे को पता चला फट से साइफर करना, मैं तो रेडी हो गया, क्योंकि अपने को तो खाली माइक चाहिए बस, और अच्छा अच्छी पार्टी भी थी, वो सब अच्छे अच्छे लोग आए थे, मुंबई फाइनेस्ट थे अपने सब दोस्त लोग थे, तो हम बोला अच्छा है दोस्त लोग के हमने परफॉर्म करने में क्या सीन है। फिर मैं बोला चलो करते हैं साइफर। बाद में हम लोग गए उधर, सब हम लोग को माइक वाइक दिया और सीधा गए, सब लोग एक एक जाके वर्स कर रहे थे, तो मैं देखा पब्लिक फुल हाइप कर रही थी, फुल सब लोग जोश में थे रेडियो सिटी में, तो मैं सीधा गया, हम बोला चलो भाई थोड़ा ग्राइम में स्विच होते, अभी पब्लिक कूदने के लिए तैयार है का। तो आवाज आई मेरे को जोर से, ओ तो हम बोला अभी तो मचाने का। फिर जाके मैंने सीधा उधर वर्स वर्स किया, बाद में इतना बिगअप मिला मेरे को उसके बाद के, मतलब मेरे को खासी ब्लड ने आके बोला के हार्ड भाई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा रेडियो सिटी में परफॉर्म करके, मजा आया। जो अपकमिंग आपके जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में कुछ। अपकमिंग में अभी आने वाला अपना एक गाना वजन है,
मेरे भाई डी विल के साथ, और हम लोग मचाने वाले फुल ये महीना और अगले महीना भी एक गाने आने वाला है, और जून में तो सीधा एक बॉम्ब फेंकने वाला हूँ सीधा पब्लिक के ऊपर, जो मेरा एल्बम है। और एल्बम भी जल्दी ड्रॉप कर रहे हैं और खतरी ड्रॉप करने वाले क्या, तो स्टे ट्यून रहने का और मचाते रहने का पब्लिक।